नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोदी जी के अनमोल विचार बताऊंगी। अपने जीवन में न मैंने माँ बाप की दौलत पाई है और मुझे धन दौलत चाहिए भी नहीं। अगर मेरे पास कुछ है भी तो वो है मेरे माँ का दिया हुआ आशीर्वाद, जो मुझे हमेशा आगे बने की प्रेरणा देती है। समाज की सेवा करना यानी एक तरह से हमें एक तरह से अपने ऋण चुकाने का मौका है। मैं लोगों की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। इसमें एक बेहतर समाज और राष्ट्र बनाने की क्षमता होती है। यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें, तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। जितना अधिक आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, उतना अधिक कमल खिलेगा। कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाना है, ऐसा सपना देखना चाहिए। स्वच्छ भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, आए इसे हम साकार करें। मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। हमारी जिम्मेदारी देश को चलाने की ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, यह युद्ध से भी बदतर है। भारत ने अपने युद्धों की तुलना में आतंकवाद से ज्यादा लोगों को खोया है। कठिन परिश्रम कभी असफल नहीं होता, वह आपको संतुष्टि करता है। लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि भारत देश सांपों का और काले जादू का देश है, लेकिन हमारे युवाओं ने अपने इस कौशल से विश्व को हैरान कर रखा है। डिजिटल इंडिया ही मेरा सपना है। एक सरकार वह होती है जो गरीबों के बारे में सोचती है और उनकी आवाज सुनती है। सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए जीना चाहिए। मेरे लिए राजनीति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि ये तो एक अभियान है। महात्मा गांधी ने कभी स्वच्छता के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने हमें आजादी दी, हमें उन्हें एक स्वच्छ भारत देना चाहिए। मुझे देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे देश के लिए जीने का अवसर मिल गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के पर दबाए। मैंने चाय बेची है, लेकिन कभी अपना देश नहीं बेचा। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे देश की सेना बात नहीं करती, रंग क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है। नोटबंदी से हमारे देश की जनता तो आज पहली बार चैन की सांस लेकर सोने जा रही है, जबकि कुछ लोग आज से नींद की गोलियां लेना शुरू कर देंगे। लोकतंत्र में जनता का ही फैसला सर्वमान्य होता है, जिसे मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमारे दादा दादी ने किया, मेरे माँ बाप ने भी वैसा किया, क्या हमें भी वैसा करना चाहिए? इस सोच पर देश नहीं चलती। हम तो अपने बड़ों से मार्गदर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन सोच और परिस्थिति तो अपने समय के हिसाब से होती है और उसी के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप एक दिन में 12 घंटे तो काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा, अगर आप 13 घंटे तो मैं 14 घंटे, और आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, क्योंकि मैं आप सबका प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाना है, ऐसा सपना देखना चाहिए। हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि उसे पूरा करने से संतोष का आनंद प्राप्त होता है। हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि उसे पूरा करने से संतोष का आनंद प्राप्त होता है। हमारे मन की कोई समस्या नहीं होती, समस्या तो केवल हमारे मानसिकता की होती है, जिसकी उपज के लिए खुद हम जिम्मेदार होते हैं। हर इंसान के अंदर दो गुण होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और इंसान जिस पर अपना ध्यान लगाएगा वैसा ही बन जाएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य ही सब कुछ है, पर मेरी महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं है। अगर मैं नगर निगम का अध्यक्ष भी होता तो भी मैं उतना ही मेहनत करता जितना कि आज मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होकर करता हूँ।